अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सुबह का जी ये टाइम है और यहाँ पे जी नाश्ता जो है वो मैंने रेडी अपना कर लिया। और आप सबको जी ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। यहाँ पे जी मैंने ना खीर बनानी थी ख़त्म के लिए। दूध मैंने ना रात को मंगवा लिया था और मैंने ना फिर दूध जो है ना वो फ्रीज़र में रख दिया था, क्योंकि सुबह मुझे खीर बनानी थी। तो फिर इसलिए मैंने कहा मैं ना सुबह ही उठ के ना जल्दी से अपना काम जो है ना वो फिनिश कर लूँगी। तो यहाँ जी सुबह ना टाइम है 7 बजे का और यहाँ पे मैंने खीर जो है ना दूध जो है वो मैंने रख दिया है बॉयल होने के लिए। साथ में इसमें मैंने सब्ज़ इलायची जो होती है वो 3 से 4 अदद थोड़ी सी ना मैंने कूट के ना तो वो डाल दी है। और राइस जो है ना वो मैंने रात को भिगो दिए हुए थे और वो मैंने राइस वॉश करके तो वो भी इसके अंदर मैंने डाल दिए। यहाँ पे जी मैंने ना फिर ऑल्पर का दूध जो है वो मेरे पास 2 पैकेट थे, मैंने ना वो भी डाल दिए हैं। और यहाँ पे ना जी मैंने खीर को तकरीबन 6 से 7 घंटे पकाया था हल्की आंच के ऊपर, क्योंकि खीर को जितना धीमी आंच पे बनाया जाए उतने मज़े की वो बनती है। और यहाँ पे जी चावल जो इसके अंदर डाले थे वो भी अच्छी तरह से ना मिक्स हो गए। और यहाँ पर मैंने ना केवड़ा वाटर जो है वो थोड़ा सा डाला है। ये खीर जी तड़के वाली ये खीर है, मैं तो इसको तड़के वाली खीर कहती हूँ। और यहाँ पे ना मैंने 1 कप चीनी ले ली है और इसको ना मैंने ना कैरेमल इसका मैं बना लूँगी। चीनी और थोड़ा सा पानी डाला था और इसको ना जब तकन ये गोल्डन होगी ना तो तब तकन मैं इसको पकाऊँगी। यहाँ पे ना मैंने हस्बैंड से ना ये मिट्टी की ठूठियाँ होती हैं या प्याले भी इनको लोग कहते हैं, तो ये मैंने ना मंगवा ली थी और इनको पानी में रात को मैंने भिगो दिया था वॉश करके अच्छी तरह से, धूप लगवा के इनको ड्राई करके। तो फिर ये भी मैंने ना एक साइड पे ना रख ली थी। यहाँ पे जी ये देखें जी ये चीनी का कैरेमल जो है वो तैयार हो रहा है। मैं साथ साथ इसको हिला रही हूँ और नॉर्मल मैंने इसकी आंच रखी है, ज़्यादा तेज़ नहीं कि हमारा कैरेमल जो है ना वो मतलब जल ना जाए। और यहाँ पे अच्छा सा ब्राउन कलर हो जाएगा। और ये देखिए एक किस्म का जैसे हम दाल को तड़का लगाते हैं ना, वैसे ही खीर को एक ये तड़का लगाया मैंने। और ये जो कैरेमल है ये मैंने सारा डाला है इसके अंदर, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है और खीर का थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाता है, वाइट कलर से ज़रा सा इसका स्किन सा कलर हो जाता है। और ये देखें जी ये मोबाइल उस वक्त धोखा दे गया था, फोकस ही नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने बड़ी मुश्किल से इसका फोकस सही किया। और यहाँ पे जी खीर जो है वो रेडी होगी 6 से 7 घंटे पकने के बाद। और यहाँ पे मैंने ना सारी ठूठियों में डाल ली है। ये देखें जी मैंने किचन में ना सारी ठूठियाँ रखी हैं और बस अब मैं इन में ना ये डाल के ना तो थोड़ी देर ना मैंने वेट किया था तकरीबन 10-1 मिनट का। और यहाँ पे मैंने ना नारियल का जो नारियल का बुरादा जो होता है ना पाउडर से थोड़ा दूसरे वाला वो ले लिया था, साथ में बादाम कूट के ना मैंने दोनों को मिक्स कर लिया था और ऊपर से ना मैंने खीर के ऊपर ये सब ठूठियों पर ये डाल दिया था। तो जी फिर ना खीर जब ठंडी होगी हुई थी इसको फ्रिज में रखा था और फिर ख़त्म मुझे देना था, ख़त्म दे के तो फिर यहाँ पे मैंने ना ट्रे लगा दी और बेटी के हाथ और हस्बैंड को मैंने कहा कि आप जाके ना दे हैं जहाँ जहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है। और ये जी ये हमारी गली में ये देखें जी माशाल्लाह लाइटें वगैरह लगी हुई हैं, लोगों ने अपने घर वगैरह सजाए हुए हैं। माशाल्लाह जी बड़ी प्यारी ये लाइटिंग लग रही थी, लाइट्स वगैरह बहुत अच्छी लग रही थी, बेटी ने भी लगाई थी। तो जी फिर मैंने ना यहाँ पे खाना बना लिया था, आलू वाले राइस, साथ में सैलड बना लिया था। डिनर का ये टाइम था तो यहाँ पे हम सब ने ना खाना फिर जो है वो खा लिया था, चार था होममेड घर का। के बाद जी मैं ना बाहर चली गई थी लाइट्स वगैरह देखने के लिए हस्बैंड के साथ। और आपको पता है कि कितना माशाल्लाह जी सजाते हैं, हर चीज़ माशाल्लाह सजी होती है, लाइट्स वगैरह, रौनक एक इस दिन की अपनी होती है।
और अच्छा भी लगता है, मज़ा भी आता है, बंदा थोड़ी देर बाहर जाता है, एंजॉय कर लेता है। तो यहाँ पे जी बस सारे लगी हुई है लाइट्स वगैरह काफ़ी, माशाल्लाह जी अच्छी सजावट हुई हुई है, नाते वगैरह लोग इधर पा रहे थे, और अच्छा माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था जी। यहीं तक था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके मुझे बताएं आप लोगों ने ईद मिलादुन्नबी पे क्या क्या बनाया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।